नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबर की ओर। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में दो सड़क हादसे ने मां बेटे की जान ले ली। पुलिस का कहना है कि दो दिन पहले सड़क हादसे में मां गंभीर हो गई थी। गंभीर हालत में डभौरा से रीवा संजय गांधी अस्पताल लेकर पहुंचे, यहां मां ने दम तोड़ दिया। मौत की खबर सुन बेटा इंदौर से अर्थी को कंधा देने के लिए निकला और वह कार बुक कर रीवा आ रहा था। सतना बॉर्डर पर बेला के पास कार का टायर फट गया, ऐसे में कार हवा में गोते खाते हुए पलट गई। हादसे में तीन लोग घायल हो गए। पुलिस की मदद से तीनों को संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां बेटे को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं दो लोगों को भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। SGMH में मां बेटे की एक साथ अर्थी उठने से परिवार में मातम पसर गया, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं राजधानी भोपाल में बाइक शोरूम संचालक ने ग्राहक से की धोखाधड़ी। गौतमनगर थाना क्षेत्र में एक बाइक शोरूम से एक युवक ने नगद रुपए जमा कर बाइक खरीदी थी। शोरूम के संचालकों ने युवक के दस्तावेज इस्तेमाल करके वही बाइक किसी और के नाम पर फाइनेंस भी कर दी। घटना का पता तब चला जब फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों ने किस्त जमा नहीं होने पर युवक से उसकी बाइक छीन ली। शिकायत की जांच के बाद पुलिस ने शोरूम संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया। फाइनेंस कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि यह बाइक किसी लखनदास नाम के व्यक्ति के नाम पर फाइनेंस हुई है। फाइनेंस कंपनी से जानकारी जुटाने के बाद अरविंद ने थाने में साक्षियों के साथ शिकायत दर्ज कराई। मामले की जांच में ठगी की पुष्टि होने पर पुलिस ने शोरूम मालिक दीपक ननवानी उर्फ गोल्डी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया। ये थी आज की खबर। और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।